मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो भी वीडियो में मेरे को देख रहे हैं, अपने एंड पे मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। और आप लोगों से मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर हो सके तो अगर आप में से कोई टीचर है, पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में है, उनको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। जिस लेटर के अंदर आपको ये लिखना है कि जो मेडिटेशन है उसके बारे में आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो। अब तो साइंटिफिक इतनी स्टडीज़ हो गई है मेडिटेशन के ऊपर जिसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब हज़ारों स्टडीज़ है कि 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नींद के बराबर है। सोच करके देखें, अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में एक 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, बच्चों की लाइफ बदल जाएगी। और आपको क्या करना है, एक लेटर में लिख करके कि वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट अ मेडिटेशन सेशन इन योर स्कूल, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स। एक स्कूल में हजारों बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं, मैं कहता हूँ अगर 10 लेटर भी पहुंच गए ना एक प्रिंसिपल के हाथ में, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और उनको बोलो कि अगर आप सब बच्चों के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 6th स्टैंडर्ड से ऊपर वालों के लिए कर दो, 6th के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 10th से ऊपर वालों के लिए कर दो। करो तो सही, करो तो सही। और आई एम 100% श्योर कि अगर हम सब लोग अपने एंड पे इतना छोटा सा भी स्टेप उठा लेंगे, सिर्फ ये लेटर लिखने का, जिसकी मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि सिर्फ एक लेटर लिख करके उस स्कूल में हम पहुंचा देते हैं, तो अगर आधे स्कूल्स भी, जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसके आधे स्कूल्स भी अगर इसको शुरू कर देते हैं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मैं लिख करके दे सकता हूँ कोरे कागज में। थोड़ी सी विजन को लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, टेम्पररी सॉल्यूशंस की बजाय परमानेंट चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ 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 लगाओ, तो ध्यान को लगाना किसी ने सिखाया नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? ऊपर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनका ध्यान लग रहा है, क्या मतलब है? हो सकता है उनका पढ़ाई में लग रहा है, इसका म्यूजिक में लग रहा है, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक म्यूजिक वाले को और पढ़ाई वाले को, जबकि दोनों की अपनी लिमिटेशंस है। जिसका पढ़ाई में लग रहा है उसने पढ़ाई में तो लगा लिया, म्यूजिक में नहीं लगा पाया, उसने म्यूजिक में लगा लिया पढ़ाई में नहीं लगा पाया। अरे हमको करना है कि ध्यान का लेवल बढ़े, अवेयरनेस का लेवल बढ़े, कि वो बच्चा जब चाहे अपना पढ़ाई में ध्यान लगा सके, स्पोर्ट्स में ध्यान लगा सके, म्यूजिक में ध्यान लगा सके, किसी भी एक्टिविटी में ध्यान लगा सके, और जब वो उस एक्टिविटी को कर रहा है उस समय वो बाकी सारी एक्टिविटीज से ध्यान हटा सके। ये सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। अगर ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, वो कुछ अच्छा ही करेंगे अपनी अपनी फील्ड में, बुरा चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो जागे हुए होंगे, सोए हुए नहीं होंगे। तो हमको उनको जगाना है, और सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को जगाना है, पहले पेरेंट्स को जागना है। कई पेरेंट्स ये नहीं उठा करके बच्चे पे डाल दे, बेटा तू जाग, चले वीडियो को देख और जागना शुरू कर। अरे तुम्हें भी जागना है, सबको जागना है, बच्चों को जागना है, पेरेंट्स को जागना है, टीचर को जागना है, प्रिंसिपल को जागना है, सबको जागना है। जितने ज्यादा लोग जागते चले जाएंगे वो सोसाइटी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ही रहने लायक। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब तक मैंने जो भी कुछ कहा है अगर उसको एक लाइन में समअप करना हो वो ये है कि अगर आप अपनी अवेयरनेस को टेम्पररी बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी के लेवल पे काम करो। मतलब कि आपकी जो हदें हैं, हर आदमी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहां तक वो जा सकता है, जिसके अंदर एक दायरा होता है जिसके अंदर वो काम कर सकता है। आपकी सोच का अपना एक दायरा है, आपकी स्किल्स का अपना एक दायरा है, आपकी नॉलेज का अपना एक दायरा है, आपके एक्सपीरियंस का अपना एक दायरा है। जब तक वो दायरा नहीं बढ़ेगा तब तक आप नहीं बढ़ सकते, एज सिंपल एज दैट। तब तक आप मांग सकते हो कि मैं बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं बढ़ जाऊं, मांगने से कुछ नहीं होने वाला, उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, उस हद को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर तो आप अपनी इस हद को, जो भी आपकी हद है जिस भी लेवल पे, चाहे वो इतनी है इतनी है इतनी है, उसको टेम्पररी बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी के लेवल पे काम करना, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन टेम्पररी। बॉडी में जब एक्टिविटी करी लेवल बढ़ा, एक्टिविटी बंद हुई लेवल गिर गया, 2 दिन के लिए एक्टिव हुए ठीक हो गया, 2 दिन के लिए फिर एक्टिव नहीं हुए गिर गया। टेम्पररी बेसिस जरूरी है लेकिन टेम्पररी। अगर इसको परमानेंट बढ़ाना है तो माइंड के लेवल पर, अगर अपनी हदों को परमानेंट बेसिस पे बढ़ाना है तो माइंड के लेवल पे अवेयर होना शुरू हो जाओ। जितना आप अवेयर हो जाओगे आपके माइंड की जो हदें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप दुनिया की सारी हदों को तोड़ करके आगे निकलना चाहते हो, वहां जाना चाहते हो जहां पर कोई हद नहीं,
कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी आत्मा के स्तर पर काम करना, अंदर जाना होगा, जहां से शक्ति मिलेगी उस माइंड को कंट्रोल करने की। और एक बार आप जाकर के इस अवेयरनेस में मर्ज हो गए, उसके बाद में कोई हद नहीं, कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ना नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ भी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।